हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। वेलकम इन माय चैनल प्रीतीज केक एंड कुकिंग। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ होल व्हीट आटे का चॉकलेट स्पॉन्ज केक, जो कि बहुत ही यम्मी, हेल्दी एंड सॉफ्ट होता है। तो ये रेसिपी आपके बच्चों को और फैमिली वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले OTG की सेटिंग बताऊँगी। यहाँ पर हमको 180 डिग्री पर OTG को रखना है, उसका टेम्परेचर। फिर हमें इसकी फ्लेम लो कर देनी है, फिर इसको हमें फैन मोड पे करना है, और फिर हमें इसका टाइमर 10 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा OTG प्री हीट हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे किचन में। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप होल व्हीट आटा और 1 कप मिल्क, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं हम अपने बैटर के हिसाब से। और हमने लिया है 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, जो कि सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल है, और कोई ऑयल, फ्लेवर्ड ऑयल हमें नहीं लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है 1 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप कोका पाउडर, यहाँ पे है चॉकलेट एसेंस, वनीला एसेंस, और ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर। ये प्लेन विनेगर है, फ्लेवर्ड विनेगर नहीं है। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे हम इस बोल में सबसे पहले लेंगे 1 कप मिल्क, मिल्क में हम ऐड कर देंगे हमारा विनेगर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 10 मिनट्स के लिए साइड कर देंगे। हम अच्छे से शेव कर लेंगे। शुगर, ये हमने मेजरिंग से नाप लिया था। इसमें हम लेंगे 1/4 कप कोका पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टी स्पून बेकिंग पाउडर। फिर हम इन सबको अच्छे से शेव कर लेंगे। में जो भी एक्स्ट्रा गांठे हैं वो हमारी निकल जाती हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट बोल की तरफ। अब इसमें हमें ऑयल ऐड करना है। ये हमने 1/2 कप ऑयल लिया था, इसको हमारे मिल्क में ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे सेकंड बोल में इसको मिक्स करेंगे और इसको हिलाते रहें अच्छे से ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इसमें हम मिल्क और ऐड कर सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से। इसमें हमें थोड़ा मिल्क और लगेगा। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है। हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम हमारे एसेंस मिक्स करेंगे। क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम इसमें पहले वनीला एसेंस लेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून चॉकलेट एसेंस, फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे अपने केक टिन में पोर करेंगे। हम हमारे केक टिन को OTG के अंदर रखेंगे जो कि पहले से ही हमने प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए, और हम इसका टाइमर कर देंगे 40 मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा केक रेडी हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से बेक हो चुका है हमारा। हाँ, अच्छे से बेक हो चुका है क्योंकि हमारा ये निकल चुका है स्मूथली। तो इसके चारों तरफ हम नाइफ को घुमा लेंगे ताकि हमारा केक आसानी से निकल जाए। और हाफ मिनट बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे प्लेट में। तो हमारा केक हमने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमने हमारे केक की प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी ये केक बनाइए और अपने बच्चों को और फैमिली वालों को खिलाइए और अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर करें। और आपको जो भी क्वायरी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।